पांच बेटियां हैं, एक बेटा है 8 साल का, छोटा है, बेटा एक ही है, और ये छोटी बच्ची है 2.5 साल की, सबसे छोटी बच्ची 2.5 साल की, सबसे छोटी बच्ची 2.5 साल की जी है। हाँ। और उनकी बेगम, उनकी जी हाँ, क्या हाल है उनका? मैं उनकी बेगम ही हूँ। आप ये जी हाँ भाभी हैं? अल्लाह, आप किस हिम्मत के साथ आ गई? माया, बस मत पूछे आप। माया जी, भाभी जी, भाभी किसी यतीम और किसी बेवा से कभी ना पूछना कि तुम किस हाल में हो। मुझे तो मालूम ही नहीं था ये। मैं वैसे एक बात कर रही हूँ, सिर्फ ये नहीं, मैं कह रही हूँ शायद बच्चे हैं सालिम से बात कर रहे हैं। मैं इस हवाले से कह रही हूँ कि बेवा होना और यतीम होना सबसे बड़ा मुश्किल अल्लाह ताला का इम्तिहान है इंसान के लिए। तौबा तौबा भाभी, दिल मेरा हिल जाता है। बस जो लोग इस बात को नहीं समझते वो उन लोगों के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारा करें जिन पर ये आजमाइश आती है, और अगर वो अपने आप को खुशनसीब बनाना चाहते हैं तो यतीम के सर पर हाथ रख लें और बेवा के लिए आसानियां पैदा करें, उनके घरों में खुशियां और रोशनियां बखेरें। मैं तो भाई के लिए भी, अमजद भाई की भी फैमिली के लिए कहती हूँ कि ये बहुत कड़ा वक्त है, बहुत कड़ा वक्त है, बहुत कड़ा। जितनी मोहब्बतें उन तक पहुंचाई जा सकती हैं उन तक पहुंचाइए, जितनी सपोर्ट उनको की जा सकती है उनको करें। हुकूमत से कहने को दिल तो नहीं चाहता, लेकिन ये जिम्मेदारी हुकूमत की है कि इतना बड़ा इंसान, इतना बड़ा फनकार इस दुनिया से चला गया, हुकूमत क्या करेगी आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये जिम्मेदारी उसकी बनती है कि उसकी उनकी बीवी, उनके बच्चे और उनकी वालदा भी, हुकूमत उनके लिए कुछ अनाउंस करे जिंदगी भर के लिए, चाहे उनका मेडिकल है, बच्चों की फ्री एजुकेशन है, इसके अलावा जितनी चीजें, जितनी अच्छी चीजें उनके लिए अनाउंस कर सकते हैं करें। वैसे तो इस चीज का जाला नहीं हो नहीं, सकता। भले आके आपकी बात काट रही हूँ, कदा कलामी माजद, भले आके फूड सेशन कराएं। हसन और रेहान भाई और जहर मैं हफ्ते में ये बात कर रहे थे, भले आके फूड सेशन कराएं, लेकिन कम से कम कुछ करें ना। बिल्कुल करें, बिल्कुल, तो ऐसे ना समझे कि एहसान कर रहे हैं, अपना फर्ज समझे कि उस इंसान ने बहुत दिया है हमें। हमें क्या, उसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, वो हमारा हमारे मुल्क का एक अजीम तरीन इंसान है, उसके लिए करें। और ये कर्ज नहीं है, ये तो हक है उनका जो उन्हें देना चाहिए। अव्वल तो उनको जिंदगी ही बहुत शानदार मिलनी चाहिए थी, और रब ने उनके लिए जो शहादत मुंतखब की है वो रब ने खुद ही शानदार कर दी है, लेकिन अब जो उनके वर्सा पीछे हैं, ये हम सब की जिम्मेदारी है, हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि उनकी हर मुमकिन, और अभी अनाउंस करें और लाइफ टाइम चीजें अनाउंस करें, जिसमें से दो चीजें, क्योंकि मुझे अंदाजा है कि जिंदगी में दो चीजें बहुत मुश्किल हो जाती हैं, एक बच्चों की एजुकेशन और एक मेडिकल, ये दो चीजें ऐसी हैं जिसमें कमर टूट जाती है। तो कम से कम हुकूमत ये दो चीजें तो उनको फिल फॉर अनाउंस करे और लाइफ टाइम के लिए अनाउंस करे, उसके अलावा जो भी उनके घर के खर्चा बांधे, पेंशन की सूरत में बांधे, जिस अंदाज में गवर्नमेंट को बेहतर लगता है बांधे, शायद इस गम का कुछ मदावा हो सके। मैं कुछ बोलूं? जी 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 बोलिए। मसला सिर्फ इतना है कि जाने वाला तो चला जाता है, मगर पीछे से 5 बच्चियां और एक बच्चा, किराए का मकान और बहुत सारी टेंशन है जो मुझसे संभल नहीं रहा। ये बच्ची मेरी थोड़ी देनी, तवाजुन इसका ठीक नहीं है, इसका इलाज मुझे करवाना है, और एक ही मेरा ये छोटा सा बेटा है, स्कूल, ट्यूशन, मदरसा, रेंट और बीमारियां और बहुत सारे मसाइल हैं जो मैं मुझसे कुछ समझ ले रहा। तो मुझे सिर्फ कुछ नहीं, सिर्फ मेरे बच्चों के लिए एक छत का आसरा हो जाए, और मुझे इससे ज्यादा की कोई तमन्ना नहीं है, और मैं इनको इज्जत से पढ़ाऊं। बस इज्जत की ही रोटी के लिए हम सब बस यही दुआ करते हैं कि मालिक जब इस दुनिया से जाएं तो इज्जत की रोटी के साथ जाएं, हलाल रिस्क के साथ जाएं। और इस वक्त बस अमजद भाई की ट्रे तकरीबन तैयार है और चली जाएगी किसी गरीब के लिए। अल्लाह करे अमजद भाई को वहीं पर और उनके फेवरेट पकवान जो उनकी पसंद है सब कुछ मिले। सब वक्फे के बाद ख्वातीन और चाँद, आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़ें दुआओं की तरफ, हमारे साथ रहिएगा। रमज़ान इश्क है, ये तमाम टीम साबरी आपकी मुंतज़र है, हमारे साथ रहिएगा। रहम कुल पर।
आज फिर छा गई है घटाए अलम ताजदार हरम हो निगाह करम कब तलक होंगे ये जुल्मों से तुम ताजदार हरम हो निगाह करम ताजदार हरम हो निगाह करम साबरी आसान पे आहो बुका रो रहे हैं सभी आज बूढ़े जवान साबरी आसान पे आहो बुका रो रहे हैं सभी आज बूढ़े जवान दिल तड़पने लगे और आंखें हैं नम नम ताजदार हरम हो निगाह करम तेरी मिदहत बयां कर रहा था जो कल ले गई सांस अपने उसे भी अजल टूट कर गिर चुके हैं खुदा की कसम ताजदार हरम हो निगाह करम खून में आज नहला दिया फिर हमें गमजदा एक पल में किया फिर हमें सह रहे हैं सभी वार दुश्मन के हम ताजदार हरम हो निगाह करम ताजदार हरम हो निगाह करम हम्द पढ़ता रहा नात पढ़ता रहा सुए खुल्द बरी ही वो पढ़ता रहा हम्द पढ़ता रहा नात पढ़ता रहा सुए खुल्द बरी ही वो पढ़ता रहा साबरी पे